बात महाराष्ट्र की, जहां समुद्र के किनारे मिली बोट की जांच एनआईए और महाराष्ट्र एटीएस ने शुरू कर दी है और शुरुआती जांच के बाद एटीएस ने किसी साजिश की बात से फिलहाल इनकार किया है। किसी भी नागरिक को किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स या फिर सिक्योरिटी इश्यूज आएंगे नहीं। फेस्टिवल का सारा सीजन चल रहा है, ऐसे समय कोई भी रिस्क नहीं ली जा सकती, इसलिए सबको अलर्ट पर रखा है। हथियारों से भरी बोट किसकी है, नाव रायगढ़ तक कैसे पहुंची, क्या है बोट से मिले हथियारों का राज, इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए एनआईए और महाराष्ट्र एटीएस जुट गई है। रायगढ़ के हरिकेश्वर तट पर संदिग्ध बोट मिली, रस्सियों की मदद से बोट को समुद्री लहरों से बाहर निकाला गया। उसके बाद नाव में जो कुछ मिला उसने सबको चौंका दिया। जिस बोट को लेकर महाराष्ट्र में बवाल मचा हुआ है, वो बोट हम आपको दिखा दें कि ये वही बोट है जो रायगढ़ में आकर अटक गई है। और इसमें चौंकाने वाली बात ये थी कि इसके अंदर से 3 AK-47 और कुछ बुलेट्स बरामद हुए, जिसके बाद से ही सारी एजेंसियां हैं वो सतर्क हो गई, सबके कान खड़े हो गए। बोट से 3 AK-47 राइफल और कारतूसों से भरे 10 बॉक्स मिले, जिसमें करीब 250 जिंदा कारतूस थे। पुलिस के मुताबिक बोट से मिले हथियारों के बॉक्स पर स्टिकर्स लगे थे। इन स्टिकर्स पर लिखा था नेपच्यून मैरिटाइम सिक्योरिटी की बोट। एबीपी न्यूज ने कंपनी के लंदन ऑफिस में फोन कर हथियारों के बारे में सवाल किया। कुछ समय बाद कंपनी ने बयान जारी कर कहा कि ये बोट उनकी ही थी। सवाल उठ रहा है कि नेपच्यून मैरिटाइम सिक्योरिटी की बोट समंदर में संदिग्ध हालात में क्यों तैर रही थी, जाँच के बाद साफ होगा। इस बीच महाराष्ट्र एटीएस चीफ विनीत अग्रवाल ने एबीपी से खास बातचीत की। चीफ ने किसी साजिश से इनकार किया है। टेरर एंगल आपको ऐसा दिखाई दिया, ऐसा कुछ लगता है कि कुछ सस्पिशियस है जिस मामले की जांच होनी चाहिए? जांच तो हम करेंगे ही, इंडियन वाटर्स में 3 वेपन्स आ गए, लेकिन सस्पिशियस कुछ नजर नहीं आ रहा। बोट मिलने का अलर्ट जारी कर दिया गया है। जन्माष्टमी और दही हांडी के मौके पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। और ये बड़ा सवाल लगातार बना हुआ है कि आखिर बोट में 3 AK-47 और 250 जिंदा कारतूस थे। हथियारों से भरी बोट हिंदुस्तानी समंदर में आखिर पहुंची कैसे, उस बोट का जायजा लिया हमारे संवाददाता सूरज ओझा ने। देखिए उनकी रिपोर्ट। आज सुबह से ही लेकर जिस बोट को लेकर महाराष्ट्र में बवाल मचा हुआ है, वो बोट हम आपको दिखा दें कि ये वही बोट है जो रायगढ़ में आकर अटक गई है। और इसमें चौंकाने वाली बात ये थी कि इसके अंदर से 3 AK-47 और कुछ बुलेट्स बरामद हुए, जिसके बाद से ही सारी एजेंसियां हैं वो सतर्क हो गई, सबके कान खड़े हो गए। यहां तक कि महाराष्ट्र के जो उप मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, उन्हें भी बयान देना पड़ा कि आखिर ये पूरा क्या मामला है। ये जो बात सामने आई है कि ये बोट समंदर में करीबन 1000 नॉटिकल माइल अंदर थी, जहां पर इसमें तकनीकी दिक्कत आने की वजह से, खराब वेदर की वजह से एक डिस्ट्रेस कॉल किया गया था, कैप्टन ने डिस्ट्रेस कॉल किया था, जिसके बाद जो क्रू थे उन्हें रेस्क्यू किया गया, लेकिन खराब वेदर की वजह से इस याच को वहां से हटाने में असमर्थ रहे, जिसके बाद बताया जाता है कि हाई टाइड की वजह से ये याच बहता हुआ यहां इस रायगढ़ के समुद्र किनारे पर आ गया। आपको बता दें कि महाराष्ट्र एटीएस चीफ विनीत अग्रवाल ने एबीपी न्यूज से बातचीत करने के दौरान बताया कि वो इस पूरे घटना को लेकर मामला दर्ज करने वाले हैं साथ और जांच करने वाले हैं, और जो भी इसके मालिक का या इससे कंसर्न अथॉरिटी ने जो क्लेम किया है ये उनकी बताई हुई बातें हैं, लेकिन उस पर बिलीव करने से पहले एजेंसियां पूरी पड़ताल करना चाहती हैं ताकि सच्चाई क्या है वो सामने आए। साथ ही सबसे बड़ा सवाल ये उठाया गया, समुद्री तट की जो रक्षा है, जो शहर समुद्र के आसपास है, उसकी रक्षा के लिए 3 लेयर की सुरक्षा दी जाती है। जब से 26/11 का हमला हुआ है उसके बाद से ही ये पूरा सुरक्षा का ये पैरामीटर बनाया गया था, जिसमें लोकल पुलिस होती है, फिर कोस्ट गार्ड होती है और फिर नेवी होती है। आखिर इन तीनों एजेंसियों की नज़रों से कैसे चूकते हुए ये यहाँ पर पहुँचा। आपको बता दें कि आज सुबह 6:50 के आसपास जो लोकल मछुआरे हैं उन्होंने इस यार्च को स्पॉट किया था, इसको यहाँ देखा था, जिसके बाद लोकल पुलिस को इस बात की जानकारी दी गई। आनंद फानंद में पुलिस यहाँ पर आई और जाँच के दौरान जब AK-47 मिली तो सबके कान खड़े हो गए। बहरहाल इस पूरे मामले में एटीएस, एनआईए और साथ ही लोकल पुलिस भी अपनी निगाहें गड़ाई हुई है और हर पहलू से जांच किया जा रहा है। कैमरामैन अनुप रस्तोगी के साथ सूरज ओझा, एबीपी न्यूज, मुंबई।
इस पूरे मामले पर महाराष्ट्र एटीएस चीफ विनीत अग्रवाल ने एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बात की और बताया कि वो इस मामले में केस दर्ज करने वाले हैं और मामले की जांच करेंगे। सुरक्षा बहुत कड़ी होती है और ऐसे में किसी भी बोट का यहां आना बिल्कुल नहीं आना चाहिए था। हमारे साथ महाराष्ट्र एटीएस चीफ विनीत अग्रवाल जी, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, एक सस्पिशियस बोट मिली थी जिसमें वेपन्स भी थे, आप जाकर आए हैं, क्या कुछ समझ में आया? नहीं, ये बोट है, ये बोट बिकॉज ऑफ बैड वेदर ये बोट डिस्ट्रॉय हो गई, डैमेज हो गई। आई थिंक क्रू रेस्क्यू हो गया और बोट को उन्होंने लॉस्ट एट सी ऐसे डिक्लेयर कर दिया। बोट ड्रिफ्ट होते हुए यहाँ तक आ गई। सर, कोई टेरर एंगल आपको ऐसा दिखाई दिया, ऐसा कुछ लगता है कि कुछ सस्पिशियस है जिस मामले की जांच होनी चाहिए? ये जांच तो हम करेंगे ही। इंडियन वाटर्स में तीन वेपन्स आ गए, लेकिन सस्पिशियस कुछ नजर नहीं आ रहा। क्या हम कोई केस रजिस्टर करें या फिर अभी इनिशियल लेवल पे इंक्वायरी करेंगे, उसके बाद अगर लगेगा तो कोई केस रजिस्टर करें? नहीं नहीं, एब्सोल्युटली विल रजिस्टर अ केस। तीन वेपन्स हैं, ऑटोमेटिक वेपन्स हैं, देयर आर अबाउट 600 to 700 एम्यूनिशन। We are registering a case and we will investigate. सर, जो कंपनी थी उन्होंने एक प्रेस रिलीज इशू किया और कहा है कि ये सिक्योरिटी एजेंसी की थी जो सिक्योरिटी के लिए वेपन्स रखे थे, तो ये लाइसेंस की वेपन्स थी, इलीगल थी, क्या थी? कुछ आपने कांटेक्ट किया कंपनी को? उनका ऐसा कहना है कि ये हमारे वेपन्स हैं उस कंपनी का, सिक्योरिटी कंपनी का, लेकिन उनकी जो भी स्टोरी हम वेरीफाई करेंगे इन्वेस्टिगेशन में, उनकी जो भी बात है फेस वैल्यू पे नहीं ले सकते, वेरीफाई तो करना पड़ेगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।